और मॉर्निंग जी में रोज की तरह शुरुआत एक मिनट एक खबर से। आज सन 1971 के युद्ध की 49वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी स्वर्णिम विजय मशाल समारोह की शुरुआत करेंगे। एक मिनट में पूरी खबर दिखाते हैं। आज भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की वर्षगांठ है। आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान को हराकर उसके दो टुकड़े कर दिए थे। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल को अनंत ज्योति को प्रज्वलित करेंगे। ये विजय मशाल 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा। इस कार्यक्रम में 4 विजय मशालों की अखंड ज्योत जलाई जाएगी, फिर उन्हें भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा। इनमें परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव और कस्बे शामिल हैं। साथ ही इन गांवों की मिट्टी को इकट्ठा कर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में आयोजित होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उनके साथ इस मौके पर रक्षा मंत्री सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख इस युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में 3 मुख्य परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आप जानिए एक मिनट में कौन सी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के कच्छ में कई अहम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सबसे अहम परियोजना थी हाइब्रिड एनर्जी पार्क का शिलान्यास, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क है। इस पार्क की खास बात यह है कि 30,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन करेगा। साथ ही इस पार्क में सोलर एनर्जी के साथ साथ विंड एनर्जी पार्क भी शामिल है। हाइब्रिड रिन्यूअल एनर्जी पार्क, और ये कितना बड़ा है, जितना बड़ा सिंगापुर देश है उतने बड़े क्षेत्र में कच्छ का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में डीसेलिनेशन प्लांट का भी शिलान्यास किया। इस प्लांट से समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाया जाएगा। इस डीसेलिनेशन प्लांट की 10 करोड़ लीटर प्रतिदिन की क्षमता होगी और करीब 8 लाख लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट का भी शिलान्यास किया। गुजरात के कच्छ में सभा को संबोधित करते हुए कहा, किसान कानूनों को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को गुजरात के कच्छ से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष ने अपनी सत्ता रहते इन कानूनों को पास नहीं किया और अब किसानों को भ्रमित कर रही है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मतलब साधने वालों को किसान जल्दी ही सबक सिखाएंगे। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर दोहराया कि उनकी सरकार किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन में आज किसान दोबारा चिल्ला बॉर्डर को रोकने की तैयारी में भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आज सड़कों पर प्रदर्शन को लेकर सुनवाई होगी। दोनों खबर की जानकारी देखिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन पिछले 19 दिनों से लगातार जारी है। इस बीच किसानों ने आंदोलन के 20वें दिन उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि देने का फैसला लिया है जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान गंवाई। हम 20 तारीख को हमारे सभी जो आज तक के किसान आंदोलन के शहीद हैं, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इस बीच किसानों ने दोबारा से चिल्ला बॉर्डर को जाम करने की चेतावनी दे दी। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा के दौरान कहा कि हम मंडियों के बुनियादी ढांचे और व्यवस्था में सुधार करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट आज किसान आंदोलन से जुड़ी एक अहम याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें ये मांग की गई है कि किसानों द्वारा जाम किए गए दिल्ली के बाहरी इलाकों को तुरंत खाली करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ कानून के छात्र ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। किसान आंदोलन के बीच मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के एक हिस्से ने कृषि मंत्री से मुलाकात की है। एक मिनट में देखिए।
मंगलवार को किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। हालांकि दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने इस खबर के जवाब में कहा कि वो कौन थे जो कृषि मंत्री से मिले हैं और अगर किसी ने बात की है तो वो घर जा सकते हैं। यहाँ से तो नहीं कोई गया, ना उनका कोई टेंट था और जिन्होंने बातचीत करी वे जा सकते हैं, यहाँ से भाई वह स्थान छोड़कर अपना घर जाएं। किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार को MSP पर कानून बनाना ही पड़ेगा। दिल्ली के ठंड अब आंदोलन में शामिल किसानों के लिए धीरे धीरे परेशानी बन रही है। एक मिनट में हाल दिखाते हैं आपको। किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले बुजुर्ग किसानों के लिए दिल्ली की ठंड मुसीबत बन गई है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हुआ है ना, दो दिन से जो ठंड बढ़ी है उसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। कितने दिन से आ रहे हो आप लगातार? हम जब से शुरू हुआ है आंदोलन जब से सेवा कर रहे हैं। और कितने पेशेंट्स एक दिन में देख रहे हैं? पहले कम देख रहे थे, 80-100 देख रहे थे, अभी 100-150 देख रहे हैं। हम नियर अबाउट 1-2 आ जाते हैं। तो लगभग 5 घंटे आप यहाँ रह रहे? 3-4 घंटे हमें यहाँ। बॉर्डर पर लगने वाले मेडिकल कैंपों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर अलग अलग NGO और सरकार द्वारा मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार के साथ साथ इस मौसम से भी लड़ना है। केंद्र सरकार के शीतकालीन सत्र को रद्द करने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाए। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द कर बजट सत्र को सम्मिलित करने का फैसला किया है, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए केंद्र पर मुद्दों से भागने का आरोप लगाया है। पिछले मंजू सदन में अगर हम सदन चलाने में सफल रहे हो तो आज क्यों नहीं रहेंगे? डर किस बात की? मुझे लगता है सरकार नहीं चाहते इसी हालत में सदन चलाना, क्योंकि किसान की मुद्दा सदन चलाते ही आ जाएगी। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार को ऐसी बातों से डर नहीं है क्योंकि हमारी स्थिति मजबूत है। श्री अधीर रंजन चौधरी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, किससे बात हुआ? आपसे बात हुआ नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। तो हमने तो आपसे बात की है, कहाँ किया है, कब किया है और कितने अपोजिशन लीडर से बात किया है, ये सार्वजनिक रूप से पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री के नाते से बोलने का डिसेंसी नहीं है। वहीं कर्नाटक विधानसभा में मंगलवार को बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, आप भी देखिए एक मिनट में। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है ये दृश्य कर्नाटक विधानसभा का है, जहां ये लोग स्पीकर को कुर्सी से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ना ही स्पीकर बीमार है और ना ही उन्होंने खुद को उठाने के लिए कहा है, बल्कि ये जनप्रतिनिधि उन्हें जबरन कुर्सी से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक विधान परिषद में मंगलवार को गोरक्षा बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद सदस्यों ने डिप्टी चेयरमैन SL धर्मेगौड़ा को कुर्सी से खींचकर उतार दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि मार्शल अंदर बुलाने पड़े। कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्यों का आरोप था कि BJP ने JDS के साथ मिलकर अवैध तरीके से स्पीकर की कुर्सी को हथिया लिया था। वजह यही है, पूरे भारतवर्ष में यही करते आए वो लोग, उनको यही हैबिट है, मेजॉरिटी नहीं है तो भी बैठना चाहेंगे, इसलिए उनके अगेंस्ट हम शिकायत लेके गवर्नर के पास जा रहे हैं। इस हंगामे के बाद विधान परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पश्चिम बंगाल चुनावों को देखते हुए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल भी जोरों पर है। एक मिनट में देखिए अब इसमें अपडेट क्या है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को चंबल का डाकू कह दिया। दरअसल मंगलवार को CM ममता बनर्जी न्यू जलपाईगुड़ी के दौरे पर थी, जहां उन्होंने एक जनसभा के दौरान ये बातें कही। काने वाले ओ चोर ओ चोर ओ खेचे ओ खेचे, BJP में तो बड़ो चोर कुछ
साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भाषण में विद्रोही टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो चुनावों के समय पाला बदलते हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगी। हालांकि उनके इस दौरे के बीच जब उनका काफिला जा रहा था तब कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे जय श्री राम का नारा भी लगाया, मगर सीएम ममता बनर्जी इस बार पिछली बार की तरह नारे को लेकर गुस्सा नहीं हुई और सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई कुछ किताबों को फिर से पढ़ाने और छात्रों के लिए फेलोशिप शुरू करने की योजना पर विचार कर रही है। खबर है कि सरकार उनकी 125वीं जयंती समारोह मनाने के दौरान ये ऐलान कर सकती है। जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी चुनावों में आज सातवें दौर का मतदान होगा। एक मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों में आज सातवें दौर का मतदान होगा। सातवें चरण में कुल 31 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें जम्मू की 18 सीटें जबकि कश्मीर की 13 सीटें शामिल हैं। वोटिंग सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक होगी। इस चरण में कुल 298 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सातवें चरण में बारामूला, पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपियां और गांदरबल में एक सीट के लिए मतदान होगा। कुलगाम, अनंतनाग, बड़गाम और बांदीपुरा में 2 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। साथ ही इस चरण में पंचायतों के उपचुनावों के लिए मतदान होगा, जिसमें पंचों के 48 पद जबकि सरपंचों के 69 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच मंगलवार को अपनी पार्टी के पहले कन्वेंशन में पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हमें कश्मीर को विश्व स्तरीय शहर बनाने पर जोर दिया। साथ ही अल्ताफ ने कश्मीर में जारी परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोगों को मतदान करने से दूर रखा गया ताकि वही लोग बार बार कुर्सी पर आते रहें। दिल्ली के एम्स में नर्स यूनियन की हड़ताल मंगलवार शाम खत्म हो गई। एक मिनट में पूरी जानकारी। एम्स में जारी नर्स यूनियन की एक दिन की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। यूनियन के प्रेसिडेंट ने बताया कि प्रशासन ने उनकी समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना हड़ताल वापस ले लिया। एम्स नर्सिंग यूनियन ने 23 मांगों को लेकर कल से अचानक काम रोक दिया था। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स में नर्सिंग यूनियन की हड़ताल पर रोक भी लगा दी थी और उन्हें तुरंत काम पर लौटने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि नर्सों की सभी 23 मांगों पर विचार किया जा रहा है और कोरोना महामारी के वक्त हड़ताल करना ठीक नहीं है। एम्स के नर्सिंग स्टाफ में 5,000 कर्मचारी हैं। अचानक हड़ताल से एम्स की सभी सेवाओं पर असर पड़ रहा था। नर्सों को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। हड़ताल खत्म होने के बाद एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने नर्सिंग स्टाफ के सामने आकर यह आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इनका जल्द ही समाधान किया जाएगा। और अब जानते हैं देश भर में कोरोना अपडेट। बस एक मिनट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 99 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामलों में कमी आई है और कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में भारत सबसे आगे है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के कुल 22,065 नए मामले आए हैं, जबकि 354 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इस दौरान 34,477 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से 99,06,165 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 94,22,636 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 3,39,820 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,43,709 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की दर 95.11% पहुंच गई है और अब तक देश में 15,55,00,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। एक मिनट में अपडेट। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,617 नए मामले आए, जबकि इस दौरान 41 लोगों की मौत हो गई। जबकि 24 घंटे में 2,343 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। दिल्ली में कोरोना का रिकवरी दर 95.97% हो गया, जबकि मृत्यु दर 1.66% हो गया। दिल्ली में कोरोना के 6,10,447 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10,115 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। देश की राजधानी में अब 14,480 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग ने यह माना है कि कोरोना के नए मामलों और इससे होने वाली मौत के मामलों में
लगातार कमी आ रही है, लेकिन साथ ही केंद्र ने यह चेतावनी भी दी है कि इस पर ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.